निगम और श्रम विभाग की ओर से ये शिविर लगाया जा रहा है, जिसमें ई श्रम कार्ड बनाने का और रोजगार गारंटी कार्ड बनाने का और ये जो हमारे स्वयं सहायता समूहों को लोन की इंदिरा गांधी आजीविका इंदिरा गांधी कार्ड योजना का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसके जरिए लोन का है, लोगों में अपने इन योजनाओं के प्रति जागरूकता आए और उनको लाभ मिले, इसके लिए लगाया जा रहा है। इसके लिए मैं नगर निगम, श्रम विभाग और क्षेत्रीय जग विद्या ट्रस्ट और क्षेत्रीय निदेशक पुनीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ये लगाया। और साथ ही इस कैंप में हमारे द्वारा कल आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में और विधिक सेवा प्राधिकरण की निःशुल्क विधिक सहायता योजना, राजस्थान पीड़ित पितर स्कीम, मध्यस्थता और आदि के बारे में जानकारी दी गई है और बहुत सारे बाल विवाह कानून और मृत्यु भोज और इन कुप्रथाओं के बारे में जो कानून है उनके बारे में भी बताया गया है। लोगों में विधिक जागरूकता आए और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो और वो कुरीतियों को छोड़ करके अच्छे नागरिक बने, अपने कर्तव्य का पालन करें और अधिकारों को बलिपूर्वक प्राप्त करें, यही हमारी उम्मीद है। मैं इनके सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये 40वां शिविर है और उदयपुर ही पहला शहर है जिसमें इस तरह के शिविर लगाए जा रहे हैं और 5000 के लगभग जॉब कार्ड यहाँ बनाए गए हैं। ये भी एक उदयपुर का एक सफलता का कीर्तिमान है और उदयपुर मैं चाहूंगा उत्तरोत्तर तरक्की करे और इस प्रकार के लाभ जनता के लाभ के कार्य कल्याणकारी योजनाओं के जरिए करता रहे। कुछ माताएं बहने राशन की व्यवस्थाओं को लेकर परेशान थी, क्या जॉब कार्ड बनने के बाद इनका राशन चालू होगा? आप और वहाँ पर अभी लाइट सभी योजनाओं का, हाँ ये निर्माण समिति में इनका पंजीयन हो जाएगा। अगर ये नरेगा में 100 दिन काम कर लेते हैं तो इनका निर्माण समिति के रूप में पंजीयन हो सकता है और निर्माण समिति के पंजीयन के लिए ई श्रम कार्ड के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लाभ हैं, दुर्घटना लाभ और ये विवाह शुभ शक्ति योजना आदि जो कि श्रम विभाग राजस्थान सरकार के श्रम विभाग चला रहे हैं उनका लाभ ले सकते हैं। हमारे यहाँ शिविर लगा है, मैंने भी सुना कि शिविर लगा यहाँ पे, तो मेरा भी जॉब कार्ड बन गया है और मैं भी चाहती हूँ कि यहाँ पे अपने क्षेत्र में काम करूँ। क्या क्या काम करना पड़ा बताया आपको? काम तो वो दो हटाना, मिट्टी हटानी, ठीक है ना? काम बढ़िया है, काम अच्छा बस आ गया, मिल गया काम अच्छा है। काम करोगे आप 100 दिन पूरा? 100 दिन हाँ कर लेंगे। तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन आज निमच माता मंदिर, निमच देवाली है ना, देवाली में आयोजित किया जा रहा है। और देखिए आपने जॉब कार्ड बनवाया है, जॉब कार्ड बना के आप भी काम करेंगे, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन आज देवाली में किया गया है और आप देख सकते हैं कि निमच माता जाने वाला मंदिर का रास्ते के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर ये पूरा शिविर आयोजित हो रहा है। ब्रांड एम्बेसिडर सौरभ गुप्ता पहुँच चुके हैं, दौलत राम जी दामा साहब सामने हैं। तो साहब आज क्या होने वाला है? आज श्रमिक शिविर रोजगार गारंटी योजना के नगर पालिका के जो कार्ड बनने जा रहे हैं, श्रम कार्ड बनने जा रहे हैं और ठेकड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से उत्साहित में ये प्रोग्राम। तो सारे शिविर पे देखिए बड़ी बड़ी संख्या में माताएं बहने सब पहुंच रही है और जैसे इनको पता चला कि आज शिविर है तो प्रचार भी हुआ है, अच्छा आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने अच्छा प्रचार, हाँ अच्छा प्रचार प्रसार किया है, सभी अपने अपने जॉब कार्ड्स बनवा रहे हैं। तो देख सकते हैं आप जैसा कई नाम है आप लोग? कई बनवाए काम करवा जाओ, देखो जॉब कार्ड बनवा लिया है और अब काम करने के लिए जाएंगे। तो सभी माताएं बहने दे दो, तो सभी माताएं बहने जो है अपना अपना जॉब कार्ड बनाने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रही है। तो श्रम विभाग की टीम भी यहाँ मौजूद है। जी गोविंद जी क्या खबर है आज? खबर है कैंप लगा है अपने दिवाली में, हाँ और हम श्रम कार्ड बना रहे हैं, उसके लिए टोकन तैयार कर रहे हैं, जैसे भी पब्लिक आएगी बनाने जाएंगे हम टोकन देंगे और तुम्हारे हम श्रम कार्ड बनाएंगे सभी का। क्या हो श्रम कार्ड बनना चार कार्ड दो लाख में हो जाएगा, आगे जो भी वो स्कीम्स आए इसी के तहत लोगों को 20 साल से जरूरी परिवार से जो 18 साल के आए हैं वो सभी अपने आप टीम और
श्रम विभाग की टीम मौजूद है और सभी मिलकर हितों में काम कर रहे हैं। अरे गोविंद जी कहाँ जा रहे हो? आप कहाँ जा रहे हो? आपको सब मैं तो ये बैठ जाओ ना। सुनो क्या हुआ, आप ले आओ। ओ भैया ले आओ ना आप। ये थोड़ा उधर है लोग से ये तो पिंड वाला के राशन चाहिए।
तो देखिए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ जी गली गली में जाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जगह जगह जाकर सबको आवाज दे रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा लाभ नीमत माता मंदिर स्कूल में शिविर लाग रहे नगर निगम रो जॉब कार्ड बनवाओ, ई श्रम कार्ड बनवा लो और सरकारी योजना लाभ उठाओ। तो देखो निम्बच माता की ऊंची पहाड़ियों पर टायर लगा तो पार्षद साहब हो रहे सामने तो वार्ड नंबर एक में ये शिविर लग रहा है। और देखिए ब्रांड एम्बेसडर सौरभ जी गुप्ता साहब, क्षेत्रीय पार्षद साहब और डीएम साहब गोविंद जी सभी हम लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और बड़ी संख्या में आज लोगों को यहाँ से ई श्रम कार्ड, रोजगार गारंटी, जॉब कार्ड, नए लोन सभी के लिए ज्यादा कोशिश करेंगे। तो देखिए ये सारी बड़ी बड़ी गाड़ियों पर प्रचार कर रहे हैं, चढ़े चढ़ के यहाँ तक आए हैं और कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा इनको लाभ मिले। ज्यादा से ज्यादा स्कूल में शिविर लाग रहे अपने नीचे नहीं पार्किंग होते तो जॉब कार्ड आधार कार्ड सब थोड़ा गली चक्कर मार ला, थोड़ा घूम ला है ना, थोड़ा करके चलो ना जाओ अभी ना मुंह नहीं चलो जाकर आगे उधर बस वो है ना वो भाई स्कूल में रोजगार गारंटी अपने जॉब कार्ड वगैरह ई श्रम कार्ड वगैरह सबका लग रहा है। ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने के लिए आ जाएं और शिविर आपके द्वार, रोजगार आपके द्वार। तो आप देखिए कितनी खतरनाक गलियां है, अगर जरा सा पांव स्लिप हो गया तो भटिंडापुर पहुंच जाए। हाँ तो चलो इन तरफ तो देखे कितनी खतरनाक गलियां हैं और हमारे दोनों भाई देखो क्या देखा, बहुत ऊंची नीची पहाड़ियों पे हम संघर्ष कर रहे हैं, हम लोगों को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों भाई कितने संघर्ष कर रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं सभी को। ओहो सभी अपना जनाधार लाओ और जो 100 दिन का रोजगार पाओ, ई श्रम कार्ड बनवाओ, भारत सरकार राजस्थान सरकार की योजनाओं का लाभ उठाओ। नगर निगम कैंप लगा इधर सही, रोजगार गारंटी शिविर लग रहा है स्कूल में, कार्ड बन रहे उधर स्कूल में माता जी का मंदिर है ना, लो आओ चलो चलो।
काम करने वाले सभी आ जाएं, ऑटो चलाने वाले, ट्रक चलाने वाले, जितने भी कामगार लोग सब आ जाएं। रोजगार गारंटी शिविर लागेड़ो है निमज माता रटे और मारा भाई साहब आया। भाई साहब नाम कही आप रो? मारो भगवती लाल नाम। कई हुनियो ने कई बड़ी रहा हटे अट्टे वणी रहा है कई आधार कार्ड वगैरह जो जो भी मांगी रहा है जो वणा रो जन आधार कार्ड रो जो वणी रहा है पैकेज बेरोजगार रो जॉब कार्ड बन रियो है तो वणी महीने में सहमत है आनी बात में अट्टे आया हूं। यो फायदो मली वकील में? अबे फायदो मले या नहीं मले फिर भी देखो आपने गवर्नमेंट कर रही है वंडे बात में आया हूं अट्टे। अच्छा आप कई हुनियो? आप रो नाम कही है? मारा नाम हीरालाल। हीरालाल जी कई हुनियो? जॉब कार्ड ने ये बनी का है जो नानो कई तो मिला कई नहीं मिला जो मैं देखो मैं बनाई रहा। अच्छा अच्छा और दूसरा ने कहता आया? हाँ ठीक है बात। तो देखो दो ही भाई साहब हीरालाल जी और भगवती लाल जी दो ही देखो आज शिविर में पहुंचा है और अपना अपना जॉब कार्ड बनी रहा है अपना अपना और इंद्र यो आजादी रो अमृत महोत्सव मनी रहा जो 250 रुपये ना की यो भी भेजियो काम। हाँ चलो बेटा बेटा कहीं तो मिलियो। हाँ चलो आपकी मेहरबानी है। तो ये देखिए आप कल कल से भैया भी आए हैं और सारा देखिए पूरा स्टाफ यहाँ पे मौजूद है सभी अपने अपने काम में लगे हुए हैं। सूरज जी बिल्कुल एक मिनट कैसा लगा आपके अपने क्षेत्र में आप पल पल न्यूज सर कुछ नया इनोवेटिव दिखा है गरीबों के लिए बड़ा फायदेमंद चीज है और बढ़िया गली में घूम घूम के प्रचार कर रहे हैं तो ये बढ़िया दिख रहा है ये मेहनत कर रहे हैं सर। जी पावर नहीं आ रहा क्या लग रहा है इससे उदयपुर में आने वाले समय में क्या प्रगति देख रहे हैं और लोगों में क्या उत्साह है? सर प्रयास तो कर रहे हैं कम से कम प्रयास कर रहे तो सर रिजल्ट निकलेगा एक बार तो अपने ही क्षेत्रों को लोगों को काम मिलेगा आत्मनिर्भर बनेंगे उनको छोटी छोटी जरूरतों के लिए भटकना नहीं पड़ेगा क्या लग रहा है आपको? ये सर कच्ची बस्ती है लगभग लेबर क्लास रहती है तो सर जरूरत है इनको नॉलेज भी नहीं है इनको पता नहीं लगभग आधे से अनपढ़ भी है इनको नॉलेज कम है तो इनको पता नहीं इनको कि सुविधा का लाभ कैसे ले सकते हैं किस तरीके से कर सकते हैं कहाँ पे जाना होता है तो सर इनके घर पे आके आप इनको कार्ड दे रहे हो तो सुविधा बहुत अच्छी हो रही है ज़्यादातर लेडीज़ लोग हैं तो ये बाहर निकल नहीं पाते हैं तो इनके लिए बहुत सही चीज़ है सर। अभी तक तो हम देखते थे कि लोगों को लूटने वाले अक्सर आ जाते हैं लेकिन यहाँ पे 250 रुपये आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भी दिए जा रहे हैं ये एक सकारात्मक प्रभाव क्या देखते हैं आप? बहुत सर बहुत ज़्यादा सकारात्मक प्रभाव है एक दिन की सर आजकल एक लेबर क्लास की दान की होती सपोर्ट मजदूरी होती है 250 रुपये ये सब घर बैठे मिल रहे हैं तो सर अच्छी बात है ये तो सर। थैंक यू सर। तो देखिए आप बड़ी संख्या में बहनें भी आई है भाई भी आए हैं और सभी शिविर में और दौलत राम जी दामा लगातार राष्ट्रीय घरेलू कामकाजी महिला श्रमिक संगठन से लाली मैडम आगे हैं रेखा मैडम आगे हैं और भी दीपक जी खड़े हो जाएं। तो दीपक जी हमारे बीच में आए जी सर क्या कहना है इस शिविर को देखते हुए और आप क्या सोचते हैं? ये शिविर अभी तक सौरभ जी को सुना है इसमें ये बताया गया है कि 40 शिविरों के माध्यम से 5000 लोगों ने जॉब कार्ड बना चुके हैं जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है और एक ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार मिलना आसान है लेकिन सिटी के अंदर अगर जॉब कार्ड के माध्यम से आप रोजगार उपलब्ध करवा रहे हैं और सिटी में अगर रोजगार मिल रहा है तो लोगों का कहीं ना कहीं एक रूप से देखा जाए तो विस्थापन रुकता है ना कि मतलब उनको दर दर की भटके नहीं ठोकरें नहीं खानी पड़ रही है या एक शहर से दूसरे शहर की तरफ पलायन नहीं करना पड़ रहा है उनको अपने ही शहर के अंदर रोजगार मिल रहा है ना तो कहीं ना कहीं वो इससे उस पर भी प्रभाव पड़ेगा कि उनके बच्चे शिक्षित होंगे एक ही साथ में रह के पढ़ सकते हैं लिख सकते हैं उनके भविष्य को सुनहरा बनाने के लिए वो दो पैसा अपने गांव या अपने शहर के स्तर पर ही वो कमा करके कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो इसका जो मॉरल है ये है कि भाई लोगों को एक स्थान पर रखकर उनको सभी सुविधाएँ दी जाए तो सुविधाओं के लिए रोजगार इसमें अहम चीज़ होती है क्योंकि रोजगार की दूरी के आधार पर ही पूरा परिवार चलता फूलता है तो ये कुल मिला के बहुत ही अच्छा अन्य कदम है।
तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन, जिसकी सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं, सभी अपने डॉक्यूमेंट लेकर सभी अपने कार्ड बनवा रहे हैं। आज इंदिरा गांधी रोजगार गारंटी शिविर में अपर न्यायाधीश कुलदीप शर्मा जी पहुंच चुके हैं। हम नगर निगम उदयपुर द्वारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शिविर आयोजित कर रहे हैं, और इस शिविर में हमारा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के जॉब कार्ड बना रहे सरकार, राजस्थान सरकार प्रत्येक परिवार के व्यक्ति को, परिवार के एक व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार तो ले लेना। जैसे कि साथ साथ हम भारत सरकार का जो दक्षिण पंथ केंद्रीय राष्ट्रीय श्रम शिक्षा विकास बोर्ड है, अर्बन स्क्वायर में बहुत सारे आधारित महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत हम ऐसे छोटे कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। साथ ही हम श्रम विभाग के विभाग की तरफ से कार्ड बना रहे हैं, और साथ ही हम इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड लोन योजना जो है महिलाएं छोटी छोटी मजदूरी करना चाहती है, 100 रोजगार जुड़ना चाहती है। तो आज हमारे बड़े हर्ष की बात है, आज हमारे कार्यक्रम में हमारे माननीय न्यायाधीश महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं अपर जिला में सेशन न्यायाधीश महोदय आदरणीय कुलदीप शर्मा साहब पधारे हैं। मैं इस कार्यक्रम में उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में तत्वपन केंद्रीय राष्ट्रीय श्रम शिक्षा विकास बोर्ड, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार का क्षेत्रीय निदेशालय उदयपुर के माननीय क्षेत्रीय निदेशक महोदय आदरणीय श्री गौतम जी का भी मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में एडीआर के हमारे पैनल अधिवक्ता और संजीव दाबी साहब भी पधार रहे हैं, और उसके साथ ही मैंने बहुत काम किया है एडीआर में, बहुत सारी सुविधा लगाए हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में श्रम विभाग से पूरी टीम है, नगर निगम से पूरी टीम है, हमारे बीच में स्वयं सेवी संस्थाओं के पदाधिकारी है, सब आए। गोविंद जी जो है पूरा मीडिया का प्रचार देख रहे हैं, और हमारे पंचम शिविर है सर, ये 40वां शिविर हो रहे हैं, और अभी तक 5000 जॉब कार्ड बन गए हैं और 1000 लेबर काम कर रहे हैं। तो ये है, और हमारी कोशिश है कि हम ये शिविर जब तक लोगों को सही ढंग से रोजगार नहीं मिल जाता जब तक हम शिविर लगातार चलते रहते। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। तो मैं सबसे पहले हमारे आदरणीय एडीजे साहब अपर जिला सेशन न्यायाधीश महोदय साहब से निवेदन करूंगा। सबसे पहले तो एक बात बताऊंगा, पासवर्ड बताइए, मैं अभी आता हूँ। मैं बोलता हूँ सर आपका नए हमारे संतोष जी साहब के पीए साहब है, उनको फोन करता हूँ, मैनेजर साहब सर को लेके तुरंत हाँ सौरभ जी अभी लाते, पास सर भी मना नहीं किया है। जब जब मैंने बोला चाहे कितना भी उनसे कोर्ट का काम हो, देखो कोर्ट में है, न्यायपालिका में बहुत सारे बिजी होते काम होते हैं, सर को जब जब मैं आग्रह करता हूँ, मेरा साहस निवेदन स्वीकार करते हैं, मैं उनका बहुत बड़ा आभारी हूँ। और सर का अभी जयपुर ट्रांसफर हो गया था कोर्ट के लिए, हमारे सबके प्यार के प्रेम दुलार जी मेरे वापिस आ गए, इस कोर्ट से आ गए हैं, सर का वापिस धन्यवाद। तो सर जो है जिला सेशन न्यायाधीश के डर के अधिकारी हैं, तो मैं आज न्यायाधीश महोदय से निवेदन करूंगा, हम आप अपना व्याख्यान हमें प्रस्तुत करें, आप सभी हमें अनुग्रह करें। आप तो सामने बैठी है ना, इधर कोई नहीं, कोई नहीं, आप आराम से जैसे कुछ इधर बैठो उधर बैठो। सम्मानीय निदेशक अनिल जी, हमारे भाई संदीप हादी, सभी नगर निगम और श्रम विभाग के अधिकारी, और राज्य उदयपुर के माता है, ये हमारे जो विभाग है कैंप का आयोजन क्यों कर रहे हैं, एक राजस्थान सरकार द्वारा शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की है, जिसमें 100 दिन का रोजगार देने की योजना रजिस्टर्ड उनको चलाई, क्योंकि हम देखते थे कि महात्मा गांधी के नाम से थी महात्मा गांधी रोजगार योजना, उसमें वो ग्रामीण क्षेत्रों में थी और पंचायत क्षेत्रों में थी जहां 100 दिन का रोजगार था, लेकिन सभी लोगों के लिए ऐसा नहीं था। तो इस योजना में आप लोगों के लिए दिए जा रहे हैं, और जब आप आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा,
तो आप इसका लाभ लें और इसमें अप्लाई करके या तो आपको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, नहीं तो आपको भत्ता दिया जाएगा। तो आप इसका लाभ लें। एक ये इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना है, इसमें आप रजिस्टर करा सकते हैं स्वयं सहायता समूह के, उसमें आपको पैर जाएगा 50,000 रुपये तक की सहायता देना है। एक कंपनी है निर्माण श्रमिक, तो श्रमिक में आप अपना कार्ड बनवा सकते हैं और वैसा है तो आप कार्ड बना सकते हैं। तो ये श्रम विभाग द्वारा सारी योजना है जो लाभ है, दुर्घटना हो जाए तो निर्माण श्रमिकों के लिए सारी है शक्ति योजना और बहुत सारे उदाहरण वगैरह, तो इस तरह की योजनाओं का लाभ आप ले सकते हैं। निर्माण पंजीयन श्रमिक है उनके लिए, और वैसे अगर ई श्रम कार्ड बनेंगे तो भी इसमें रोजगार में ये योजना है। आप ये पर्चा आप अपना कार्ड के साथ ये पर्चा लेके जाए, ई श्रम कार्ड के फायदे पीछे लिखे हुए और अगर यदि निर्माण श्रमिक है उसके फायदे सामने लिखे हुए हैं, ये सब फायदे आप उसके बाद ले सकते हैं। और यही इसी प्रकार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना में भी 100 दिन में है, और एक स्वयं सहायता समूह को लोन देने की योजना चला रखी है। इन तीनों योजनाओं का आप लाभ ले सकते हैं जिसके लिए पंजीयन के लिए आप यहाँ बता रहे हैं। अब मैं हमारा कोर्ट में विवाद करता है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नाम से, कल हम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं। अगर किसी का व्यक्ति का मुकदमा किसी भी न्यायालय में लंबित है और वो राजीनामे से निपट सकता है तो आप वहाँ संबंधित अदालत में जाकर एप्लीकेशन दे सकते हैं, ऐसा मैं अपने मुकदमे का राजीनामे से निपटारा करना चाहता हूँ। तो वो कोर्ट प्रयास करेगी दोनों पक्षकारों में समझाइश करके और उस प्रकरण को राजीनामे के आधार पर निपटा देगी। और अगर किसी मुकदमे में आपने मान लो सिविल दावा कर रखा है, बहुत बारीक कोर्ट की रखी है, अगर आप राजीनामे से प्रकरण का निवारण कराते हैं तो वो आपकी कोर्ट की वापसी प्राप्त हो जाएगी और वो DIG रजिस्ट्रेशन जैसे कलेक्टर स्टाफ के नाम से जानते हैं तो उनके यहाँ से आपको वो कोर्ट फीस की वापसी हो जाएगी। तो आप लोक अदालत में अपने अधिक से अधिक मुकदमों का निस्तारण कर सकते हैं। अब यहाँ सारी माता बहन हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ निःशुल्क विधिक सहायता की भी योजना चलती है। सरकार के खर्चे पर कानूनी वकील देने के लिए हमारे पास पैनल बने हुए हैं, हमारे पास लीगल एड डिफेंस काउंसिल स्कीम भी आई हुई है जिसमें भी हमारे पास 3 मेंबर मुख्यालय पर पेरिंग करने के लिए बहुत सारी भाई, तो आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्म भर के देना है। इसमें कौन आ सकता है, इसमें आ सकते हैं महिलाएं आ सकती हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे आ सकते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के व्यक्ति आ सकते हैं, कोई बंदी है, कोई प्राकृतिक आपदा का पीड़ित है, बाल श्रम का, मानव तस्करी का या महामारी का पीड़ित है, वो व्यक्ति जिसमें निःशुल्क विधिक सहायता का लाभ ले सकता है। इसके लिए कोई इनकम का क्राइटेरिया नहीं है। तो आप मतलब बिना इनकम के भी मतलब कितनी भी इनकम हो आप उसका लाभ ले सकते हैं। अगर कोई इन कैटेगरी में नहीं आता उसके लिए और टाइप वगैरह के लिए हर कैडर की मतलब जैसे कि शिक्षक के लिए अलग फीस है, डिसिप्लिन के अलग फीस है, सेशन के अंदर भाग लेने के अलग फीस है, तो उस हिसाब से जैसे तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। एक हमारे यहाँ राजस्थान पीड़ित कुकर स्कीम चलती है, उस पीड़ित कुकर स्कीम में कोई भी व्यक्ति अगर अपराध हुआ है उसके अपराध के कारण उसको आय की हानि हुई है, इलाज में खर्चा हुआ है, उसके लिए सरकार मुआवजा राशि देती है, क्षतिपूर्ति राशि देती है। उसके लिए किसी खानदान से या न्यायालय से पटेशन के साथ हमारे पास फोन आता है, उसके क्या है रिपोर्ट मंगाते हैं और उसको कहीं से सहायता नहीं मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री सहायता कोष है या समाज कल्याण विभाग है या अन्य किसी संस्था या किसी द्वारा भी अगर सहायता दी गई है तब उस पीड़ित प्रकार उसको पैसा नहीं मिलता है। अन्यथा अगर उसको इलाज में खर्च हुआ है या उसको कोई हानि हुई है तो आर्थिक हानि हुई है उसके लिए उसको पैसा दिलाया जा सकता है। तो आप राजस्थान पीड़ित हमारा विभाग आपकी कई तरह की समस्याएं स्थाई लोक अदालत में जनोपयोगी सेवाएं हमारे लिए जैसे नल पानी बिजली गैस है ना बीमा बैंकिंग ये NBFC जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी और ये इस तरह के ऊपर में जो विवाद है इनमें आप कंज्यूमर में भी जा सकते हैं और स्थाई लोक अदालत में जा सकते हैं। स्थाई लोक अदालत में भी जो निर्णय होता है कोई दवाई की जरूरत नहीं होती, आप एप्लीकेशन फाइल करते हैं सामने वाले का जवाब आता है, आप अपने दस्तावेजों के साथ एफिडेविट फाइल करते हैं सामने वाला देता है, कोई जगह नहीं होती कुछ नहीं होती। इनको पढ़ने के बाद अदालत आपके दस्तावेजों पे और आपके एफिडेविट और सामने वाले के अफिडेविट पे निर्णय पारित करती है, जैसे कि अवार्ड किया जाता है स्थाई लोक अदालत का वो सिविल कोर्ट की डिग्री की भांति एग्जीक्यूटिव तो आप उसका भी लाभ ले सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा विभाग बहुत सारी कल्याण की योजनाएं चला रहा है, रेखा बन रहा है। तो आप ये इन सभी अवसरों का लाभ लें
और मैं यही कहूंगा, बाकी हमारे सौरभ जी और पुलिस जी और आपको बहुत सारी बातों के बारे में बताएंगे। एक हमारे यहाँ जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं, जैसे बाल विवाह है, मृत्यु दंड है और बहुत सारी सामाजिक कुरीतियाँ चल रही है, मैं ये लोगों से यही कहूँगा कि सब कुरीतियों को हम छोड़ें और हम अपने अच्छे नागरिक होने का जवाब है और भारत के लिए बने। हमारे बीच में सरकार, हमारे न्यायाधीश महोदय साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने आपको सरकार की योजनाओं के साथ साथ निःशुल्क विधिक सहायता के बारे में बताया और यह भी बताया कल हमारे राष्ट्रीय लोक अदालत लग रही 12 तारीख को, तो राष्ट्रीय और लोक अदालत का बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, जो भी आपके कोर्ट से संबंधित मामले हैं या मामले बहुत पुराने हैं, लंबित है, या आप ऐसा कोई सामान्य मामले में आपको कुछ उसमें सुविधा चाहिए नहीं हो पा रहा है कोर्ट से संबंधित, तो आप हमारी जिला विधि सेवा प्राधिकरण में अपनी दरखास्त दे सकते हैं हमारे आदरणीय अध्यक्ष साहब को और वो वहाँ पे हम आपका हमारी कोशिश नहीं दोनों पार्टी को बुला के आपस में राजीनामा करवाए। हाँ, डॉक्यूमेंट तो आपके जो एडवोकेट, अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो आप एडवोकेट संपर्क करें आपका, और नहीं चल रहा है से संपर्क करें आप जो है अदालत में से आपकी फाइल निकलवा के दोनों पार्टी आ जाएंगे, जायज की जाएगी वहाँ राजीनामा लाइक निकलवा हुआ राजीनामा हो गया तो हाल ही कर पैसा, और नहीं तो आप एक सिंपल कारण साबित करके हमारे जिला नाइट हमारे यहाँ से सब कुछ सहयोग में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से किसी के पास आया है तो कल वो अदालत में आ जाए, जो नोटिस में राशि लिखी है उसमें छूट दिला करके आपको कम पैसे में आपका मुकदमे का सेटल कर दिया जाएगा, अगर वो कागज आया हुआ है ना तो आप अवश्य बता रहे हैं, वहाँ आप लोगों के फायदे का काम होता है, जो राशि जो उसमें आपकी बन रही है उससे कम नहीं है उसको आपका मामले का छुटकारा कराया जाएगा, ठीक है, तो आप यहाँ इसका लाभ लेना। उनपे लेटर अब भिजवा दीजिए, नहीं अम्बा माता का नहीं है सर, फतेहपुरा लगता है इनका फतेहपुरा, तो सर जहाँ जहाँ हमारा शिविर आप उनको बोल दिए एक लेटर जो आपको भेजे ना मंथली कि भाई जहाँ जहाँ हाँ हाँ जी जहाँ जहाँ हमारा विशेष शिविर है सर उस दिन लाइट कटौती नहीं है। अरे संदीप जी तो बहुत बहुत धन्यवाद, अब इस अवसर पर मैं हमारे पहली बार संदीप दादी जी पधारे हैं, स्वागत, थोड़ी मेडिटेशन के बॉक्स के बारे में बताएंगे, वैसे तो हमारे चीफ गेस्ट साहब बोल गए हैं मुझे बुलाना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अब आप थोड़ा बताएंगे हमारे वरिष्ठ एडवोकेट संदीप दादी साहब। वैसे तो साहब ने सर ने आपको सारी चीजें बता दी है कि जो यहाँ चलता है विधिक सेवा प्राधिकरण जो हमारे यहाँ पर कानून के जो भी किसी को मदद की जरूरत हो तो हम देते ही हैं, हमने बहुत सारे कैंप भी पहले आयोजित किए, आप सबके लिए एक अच्छा अवसर है कि अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की कोर्ट में कोर्ट से संबंधित जरूरत हो तो आप वहाँ बना रहे हैं, उसके लिए हम आपकी भरपूर मदद करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बोल बोलिए, बोल दो जो कुछ श्रम विभाग के पर्चे हैं जॉब कार्ड किसी के बना ये श्रम कार्ड दे दो मुझे, किसी के बने थे ई श्रम कार्ड बने जॉब कार्ड, ये कागज जो श्रम कार्ड बने नहीं लेना है, इन पर्चे के साथ उसको लेके जाना है और उस पर्चे को देखना है क्या क्या लाभ मिल सकते हैं, उनका लाभ उठाओगे तभी फायदा है हमारे आने का, नहीं फायदा नहीं है। ये जो ई श्रम कार्ड के फायदे ये है, आप इसको साथ रखना और इनको पढ़ना, इनके लाभ लेंगे तभी सफल है ये काम। मीना चौहान, मीना चौहान जॉब कार्ड बनाइए 100 दिन का रोजगार के लिए, मीना चौहान आ जाओ, बैठो बैठो 2 मिनट 5 मिनट बैठो फिर बैठो।
अरे मैडम दो मिनट रुक दो, अरे आप लोग नीचे बैठ जाओ एक बार, रुकिए अभी थोड़ा सा। सौरभ जी इन सबको पर्चे को आप लोग भी पर्चे खड़े हो जाओ भैया, इधर जो कार्ड बन रहा है उसका पर्चे जरूर लेके आप थोड़ा इधर खड़े हो, पढ़े क्या क्या लाभ मिल जाएंगे आपको, ये नंबर है कहीं दिक्कत आएगी तो नंबर दे रहे हैं हेल्पलाइन आप इधर थोड़ा पास भैया, इधर है फोटो लेना। भले हमारा वाला दे जाएगा वो अखिलेश है ना, आप वाला क्या चार्ज ले रहा है? अच्छा नाटक कर रहा है तो फिर आप वाले से लगे, नाटक वाला आदमी होना चाहिए ही नहीं। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन हो रहा है जहां पर सभी अपना आवेदन का प्रस्तुत करने के लिए पहुंचे हैं। यहां पर जो नगर निगम द्वारा इंदिरा गांधी शहरी योजना का ये कैंप लगा उसके अंदर कम से कम 250-300 के आसपास जो कार्ड भी बनाए गए और बनाने की भी कोशिश चल रही है और माताओं और बहनों को लोन की प्रक्रिया भी समझ और विशेष योगदान रहेगा सूरज जी गुप्ता जो भारत सरकार द्वारा ये एम डी है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे कि माताओं और बहनों को बताया कि नए राशन कार्ड के लिए भी आप आवेदन कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सबको जानकारी दी गई है यहाँ पर। जय हिंद जय भारत। जो चार पांच आप लोग मिलकर के लोन कर सके ऐसा कोई काम है ना, तो उसके लिए 50,000 रुपए लोन देंगे आप उसको शुरू कर सकते जी। देखिए आज दिनांक 10 फरवरी 2023 हम देवाली नामक क्षेत्र में है, क्षेत्र में असंगठित क्षेत्र के श्रमिक कार्य करते हैं और विविध प्रकार के कार्यों में वह व्यस्त हैं, जैसे निर्माण श्रमिक और छोटे छोटे और काम करने वाले श्रमिक जो जैसा जब काम मिलता है वो काम करते हैं, चाहे वो सिलाई का काम हो, कढ़ाई का काम हो, बुनाई का काम हो। आज इस शिविर में राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, नगर निगम और जग विद्या ट्रस्ट व श्रम विभाग राजस्थान सरकार के माध्यम से संयुक्त ताना बाना बुना इस मंच का निर्माण किया गया है कि न सिर्फ जागरूकता तक हम शिविरों को सीमित रखें बल्कि जागरूकता से ज़्यादा एक मिशन मोड में आकर लोगों के काम ऑन द स्पॉट उनके घर के बाहर करा कर दिए जाए। इस क्रम में आज एक महिला हमारे सामने एक और सफलता की कहानी आई है और ये महिला रीना चौहान जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज ही इनको इस शिविर की जानकारी मिली, आज ही जागरूकता के बारे में उनको संदर्भ दिया गया और उसी के फॉलोअप में तुरंत आज इनका ई श्रम कार्ड इनके हाथ में माननीय न्यायाधीश महोदय के नाम के हाथ से उनको दिया गया है और साथ ही साथ वह सिलाई करना चाहती हैं। इसके लिए रीना चौहान जी को ये ब्याज बिना ब्याज मुक्त 50,000 रुपये की राशि ये भी इनके काम को आगे बढ़ाने के लिए और जो काम कर रहे हैं उसमें उनको सहूलियत देने के लिए दी जा रही है।
और मैं जानना चाहता हूँ कि चौहान जी से हम ये पूछें कि ये जो आपका ई श्रम कार्ड बना है इसकी जानकारी क्या आपको पहले थी? इसकी जानकारी मुझे पहले नहीं थी, मुझे शिविर के माध्यम से ही इसकी जानकारी मिली है। अब आपको इसमें जो फायदे हैं वो आपको मिलेंगे, आपको कैसा लगता है? ये बहुत खुशी होगी कि इससे आगे फैमिली में सहायता मिलेगी और मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आपका किसी भी प्रकार का बीमा पहले था? नहीं, नहीं। आज आपको पता पड़ा कि आपका इसमें एक छोटा बीमा भी भारत सरकार ने किया है? हाँ जी बिल्कुल। सरकार के ये जो प्रयास आपके दरवाजे तक है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बहुत अच्छा कदम है सरकार का, इससे लोगों को रोजगार मिलेगा और जो भी महिला कुछ आगे करना चाहती है, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है, परिवार की सहायता करना चाहती है, उन्हें इससे बहुत सहायता मिलेगी। तो हम देख रहे हैं कि इनफॉर्मल इकोनॉमी का ये तो ताना बाना बुना गया है, इसमें सभी प्रकार के विभाग अपना अपना सहयोग दे रहे हैं और ये भी ध्यान दिया जा रहा है कि उनको इन जानकारियों के अलावा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की जानकारी, विभिन्न श्रम कानूनों की जानकारी, सामाजिक प्रकार के लोगों की जानकारी देकर सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे उनके जीवन की गुणवत्ता बढ़े और भविष्य में वह समाज की, सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ ले सकें। आपको क्या क्या लाभ मिलेंगे? नहीं नहीं, आपको जैसे आप बीमित हो गए, ये जैसे इस पर्ची में है ना, इधर मुकर लो, इधर मुकर लो, आप और ये जैसे आप रोजगार गारंटी कानून रोजगार कार्ड बनवाएंगे तो आपको 100 दिन रोजगार आपको राज्य नहीं आपके वार्ड के आसपास रहने वाले स्थान पे दिया जाएगा। अगर आप इस पेंशन योजना में रजिस्टर कराएंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में, तो आप राशि है जिसकी राशि का योगदान आप देंगे उससे राशि का सरकार देंगे और आप न्यूनतम 60 वर्ष की उम्र में प्रतिमाह 3,000 रुपये की पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। तो ये सारे लाभ हैं, तो आप जो कार्ड मिले उसका लाभ लेकर के जॉब कार्ड आपका 100 दिन तक रोजगार आपको इससे मिलेगा। और जब ये आप 100 दिन काम कर लोगे ना, तो इसमें जो पहले पन्ने पे कार्य हैं आप निर्माण समिति के रूप में पंजीकृत हो सकते हैं, तो फिर आपको ये इतनी सारे लाभ मिलने लग जाएंगे। ठीक है, आपका श्रम कार्ड बन जाएगा राजस्थान सरकार का, और वो राजस्थान सरकार के कार्ड में जब आप इसमें 90 दिन या 100 दिन काम कर लेते हैं तो फिर आपको निर्माण समिति के रूप में पंजीयन हो जाएगा, तब आपको और ज़्यादा लाभ मिलने लग जाएगा। ठीक है, जिसमें बच्चों को स्कॉलरशिप है, कोचिंग के लिए पैसा है, और आपके लिए दुर्घटना बीमा है वो 5 लाख तक का हो जाएगा, मृत्यु का, कई सारी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी, औजार वगैरह के लिए और भी लोन आपको मिल सकेंगे। मेरा नाम चौहान जी, जॉब कार्ड बनवा लिया आपने? बनवा लिया। क्या करोगे इसका? काम करेंगे। काम करोगे, ठीक। तो माननीय अपर न्यायाधीश महोदय श्रीमान कुलदीप जी शर्मा जी हमारे शिविर में पधारे हैं और आप जैसा कि देख रहे हैं कि रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन नगर निगम और श्रम विभाग के संयुक्त तत्वाधान में ये चल रहा है और सभी विभागों के काम यहाँ हो रहे हैं, चाहे किसी को लोन की ज़रूरत है या किसी को रोजगार गारंटी में काम चाहिए, श्रम कार्ड बनाना है, ई श्रम कार्ड बनाना है, तो सभी जो भी अरे सपोर्ट
बात परम सौभाग्य की बात है, हमारे बीच में आदरणीय मेरे गुरुदेव मार्गदर्शन संदीप जी दादी साहब, जिनका सानिध्य बहुत लंबा समय से रहा है, चल रहा बहुत लंबा समय से रहा है, और आपके ही सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इसी की बदौलत देखिए आज ये शिविर चल रहा है। सौरभ को तैयार किया है, बड़े भोग भोग कर तैयार किया है आपने, और देखिए आज ही बहुत ही अच्छा है कि सभी के सानिध्य में लगातार शिविर का आयोजन हो रहा है। अपर न्यायाधीश जिला न्यायाधीश महोदय बना रहे हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा लगता है जब शिविर में इस प्रकार के लोगों को लाभ मिलते हैं, लोगों को फायदे और एक सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चपके बोलनी पड़े फोन का बात ही लगेगी। हाँ तो माननीय अपर न्यायाधीश महोदय स्वयं शिविर में पहुंचे हैं, स्वयं इसके शिविर का अवलोकन किया है। आप देख सकते हैं कि पूरी टीम के साथ बैठे हैं, और यहां पर दौलतराम जी दामा सभी के आधार कार्ड आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष में मानदेय के रूप में ले रहे हैं। गीता है, मैंने शिविर में आके जॉब कार्ड बनवा दिया है, आगे अब काम करूंगा। कितने दिन काम करोगे? 260 दिन, 160 100 दिन का काम है, 100 दिन का। और पैसे कितने मिलेंगे? 259 259। तो देखिए सभी अपना अपना जॉब कार्ड बनवा रहे हैं, लोन के लिए आवेदन कर रहे हैं, और सारा शिविर विस्तृत ढंग से चल रहा है। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन किया जा रहा है, सभी साथी यहाँ मौजूद है। ये देखिए हमारे दौलतराम जी दामा, काली मैडम, रेखा मैडम, क्षेत्रीय पार्षद साहब मुकेश जी, और वो देखिए पीछे ब्रांड एम्बेसिडर सौरभ जी, और नगर निगम की टीम पूरी यहाँ मौजूद है। कलेक्टर साहब के आदेश है, तो आप देखिए पूरा शिविर लगा हुआ है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार से जोड़ने के लिए, ई श्रम कार्ड से जोड़ने के लिए शिविर लगातार लगाया जा रहा है। भाजी क्या है? भाजी कहीं बनवाए हो? आधार कार्ड ही तो है। और ई श्रम कार्ड बनाए हो? बनवाई रहा हूँ। देखिए सभी बनवा रहे हैं, कार्ड बनाई रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा लाभ दिला सके इसके लिए लगातार शिविर लगाए जा रहे हैं। वो भी आप ले लिया।
Thank you.
तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी शिविर का आयोजन हो रहा है और आप देख सकते हैं सभी अपना पंजीयन आवेदन सभी करवा रहे हैं ऑनलाइन, कोई लोन के फॉर्म भर रहा है। अरे ये साइन मत करा दो, दामाद ही इधर बैठ तो इन पे इधर बैठो। लाली जी बोलना इनको। इंडिया वाला कार्यक्रम हो रहा है उदयपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के और राजस्थान वित्तीय बैंक के जो है ये नहीं चल रहा है। देवाली क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित है जिसमें हमारे कमेटी साहब बता रहे हैं। मैं इसके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि आप ही जितना भी काम कर ही रहा हो, आप ई श्रम कार्ड बनी रहो, जॉब कार्ड बनी रहो, रोजगार बनते हैं, लोन बनते हैं, अच्छी बात है, सरकारी योजना दोनों चलते, लेकिन वंडे लारे लारे एक चीज को ध्यान रखना, बहुत सारा फर्जी फोन भी आ रहे हैं आपने पास। बैंक से बोल रही हूँ, आप रहती हो बैंक से बोल रहा हूँ मैडम, मैं आपकी इतनी लॉटरी खुल गई है, 10 लाख रुपए लॉटरी खुल गई है, 10,000 रुपए में खाते में जमा कराओ, 20,000 करो, 50,000, और आप भी लालच में आ जाते हो जमा करा देते हो, तो कभी भी हमें ऐसी बात नहीं आती, क्योंकि बैंक का कर्मचारी कभी ऐसा नहीं बोलता कि आप इतने पैसे मेरे खाते में जमा करा दो, इस बात का ध्यान रखना। ये और आ रहे हैं इनको बिठा दो सबको, और तो दूसरी बात ये है कि आपको आज से हर चीज ऑनलाइन हो गई, लेकिन नाम नहीं खबर पड़ रहा, वित्तीय और डिजिटल साक्षरता, हर चीज ऑनलाइन हो गई है, ऑनलाइन होती है तो हम उसी पे ध्यान रखना है कि ऑनलाइन चीजों से हमारे अच्छी भी है। ए, हाँ छोड़ गिर जाएगा फोन, अपने ऊपर आएगा है ना, आप एटीएम कार्ड जो चलाता है एटीएम कार्ड कभी भी नंबर करने मत बता दो, पिन नंबर जितना फोन हमें चलाना आता है उतने ही हम चलाएं, हमारे पे स्मार्टफोन हम लोग देख रहे हैं कि इस फोन में बहुत सारी चीजें होती है, कोई सोशल मीडिया पे फेसबुक चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, और नई नई चीजें कोई लिंक पे टच कर रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है कि आप लोग में जितना फोन चला उतना ही चला, बस हमारे फोन पे बात भेजा और नंबर डायल भेजा वो डरो, हमें वो बात भेजे बतरो जतरो बतरो ठीक है, ज़्यादा चलाओ ज़्यादा फोन वाली घुस हो जाओ तो हमारे पास ज़्यादा चीज़ें गली में वो है, तो हमारे कोई डेटा भी चोरी कर सकता है, हमारी इन्फॉर्मेशन हमारे जो प्रस्तुत व्यक्तिगत जानकारी है वो कोई दूसरा साझा कर सकता है, इस चीज़ों का आपको ध्यान, ठीक है करना सूरज जी, नीचे बांधते ना अब रुको एक मिनट का हवा बंद हो रही है, अभी मतलब मेरे हाथ लग रहा है, हाँ अब इस अवसर पे थोड़ा मैं पार्षद साहब से निवेदन करूंगा डिजिटल के बारे में, वो भी जो ये प्रोग्राम चल रहा है भारत सरकार का उसमें वो भी बताए इनको धोखाधड़ी की जो बहुत सारे फोन आते हैं सामने आप यूनिक का आपने जो कार्ड रखो 2 दिन होने के बाद हमको बताना है 2 दिन पूरे हो गए हैं।
दो दिन का प्रमाण पत्र लेने के बाद आपको ऑनलाइन जाके श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन करना है, ठीक है। श्रमिक कार्ड बनेगी आपको बनेगा तभी आपको राशन मिल पाएगा, श्रमिक कार्ड बनेगा तभी आपको बच्चों को छुट्टी मिल पाएगी, श्रमिक कार्ड बनेगा तो बच्चे आपके कॉलेज में जा रहे हैं तो मिल पाएगी। आप जाने के दो दिन पूरे होते ही अपना श्रमिक कार्ड में पंजीयन कराना है, ऐसे नहीं ये सब कार्ड ऑटोमेटिक नहीं बनेंगे, आपको करवाने पड़ेंगे, ठीक है ना। दूसरा है लोन लेने के लिए आता ही रोजगार करना है तो लोन ले सकता है, और तीस श्रमिक कार्ड भारत सरकार का है उसमें आपका 2 लाख का बीमा है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो जाए तो 2 लाख रुपये तक की सहायता मिलती है, ठीक है ना। ये सारी योजना का आपको लाभ लेना है, लेकिन ध्यान रहे आप दूसरे लोगों को जरूरतमंद लोग हैं उनको भी ये बात पता है, जहाँ जहाँ फीस लग रहे हैं बता रहे हैं फीस लगेगा। 13 तारीख को दो दिन आप आ सकते हैं, बारह कार्ड बनवा, ठीक है ना। नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 में हुआ इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शिविर आयोजित। आज दिनांक 10 फरवरी को नगर निगम उदयपुर द्वारा वार्ड नंबर 1 दिवाली नीमच माता मंदिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का शिविर आयोजित हुआ। ब्रांड एम्बेसडर व शिविर संयोजक सौरभ गुप्ता ने बताया कि शिविर में मुख्य अतिथि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उदयपुर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कुलदीप शर्मा, अध्यक्षता दंतोपंत ठेंगड़ी, राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड के क्षेत्रीय निदेशक पुनीत गौतम ने की। क्षेत्रीय पार्षद मुकेश गमेती ने सभी अधिकारगणों अतिथियों का स्वागत किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पैनल एडवोकेट संदीप दादिच आदि ने राजस्थान सरकार की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का महत्व व 100 दिन के रोजगार के बारे में विस्तार से जानकारी दी। साथ ही भारत सरकार के आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत STTP कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें क्षेत्रीय निदेशक पुनीत गौतम ने एक दिवसीय अल्प अवधि प्रशिक्षण कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की और दिनांक 11 फरवरी को लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत नालसा निशुल्क विधिक सहायता के बारे में कानूनी जानकारी प्रदान कर जागरूक किया। शिविर संयोजक सौरभ गुप्ता ने बताया कि शिविर में नगर निगम द्वारा इस योजना के 39 जॉब कार्ड व श्रम विभाग द्वारा 42 ई श्रम कार्ड और 15 आवेदन इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड लोन योजना के 50,000 रूपए के आवेदन लिए। इस अवसर पर समाज सेवी जगदीश सिंह पवार, अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ के अध्यक्ष गोविंद लाल ओड, दक्षिणी राजस्थान मजदूर यूनियन के महामंत्री दौलत राम दामा, राष्ट्रीय घरेलू महिला श्रमिक संगठन की रेखा भटनागर, लाली सालवी, नगर निगम से शहरी रोजगार सहायक भानुप्रिया माली, उज्मा बानो, श्रम विभाग से संजय कुमार मीणा, नरेश कुमार गमेती, चिराग खटीक आदि ने अपनी सेवाएं दी। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी गोविंद लाल ओड ने दी। जी सर, आपको परिचय देते हुए बताइए क्या मामला है। मेरा नाम गोविंद लाल ओड है, मैं अरावली निर्माण मजदूर सुरक्षा संघ का प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि सौरभ भाई ने बता दिया है कि लगातार शिविर नगर निगम प्रांगण में आयोजित किए जा रहे हैं, 40वां आज शिविर है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान सरकार है जो शहरी गरीबी लोगों के लिए ये योजनाएं लेके आई है। इसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, उसकी एक बड़ी नींव जो है उदयपुर से रखी जा रही है, क्योंकि ऐसा काम कहीं पे भी नहीं हो रहा है कि इतने बड़े संख्या में शिविर कहीं लग रहे हैं जितने उदयपुर में लग रहे हैं। और इस पूरे आप इसको पूरे वाक्य को देखेंगे तो इतनी बड़ी संख्या में हम लोग जॉब कार्ड बना चुके हैं, इतने बड़े संख्या में लोगों को रोजगार जो है उनको घर बैठे उपलब्ध हो रहा है। शहरों में छोटी छोटी जरूरतों के लिए जरूरतमंद जो श्रमिक है जो गरीबी रेखा में जीवन जी रहे हैं उनको हमेशा दफ्तर के बाहर चक्कर लगाने पड़ते थे, उनको राशन नहीं मिल रहा है, उनको खाद्य सुरक्षा में नाम नहीं जुड़ रहा है, उनका चिरंजीवी नहीं बन रहा है। लेकिन आज ये देखिए जैसे ये जॉब कार्ड बनता है और श्रमिक अपना 100 दिन पूरा कर लेता है तो वो ऑटोमेटिकली उसमें सारी योजनाओं का लाभान्वित होगा। कहने का मतलब है एक सकारात्मक तरीके से ये योजना लागू हो रही है और इसके आने वाले समय में एक सकारात्मक परिणाम आएंगे। और उदयपुर तो एक टूरिज्म सिटी है, एक स्मार्ट सिटी भी है, तो इसके नज़र से देखें तो एक साफ सफाई की दृष्टि से देखें और लोगों की रोजगार दोनों इसी को मिलाए कहीं ना कहीं लोगों को आत्मनिर्भर बनेंगे और लोग उन्नत बनेंगे इस योजना के माध्यम से। का और किस तरह का आयोजन हो रहा है आज ये? साथियों नमस्कार, मैं सबसे पहले तो पल न्यूज चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका हमें शिविर में सहयोग मिल रहा है। और मेरा नाम सौरभ गुप्ता है, मैं इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो राजस्थान सरकार चला रही है उसका मैं ब्रांड एम्बेसडर हूँ और इस शिविर का संयोजक हूँ। अभी जैसा हमको सभी को ज्ञात होती पूरे राजस्थान में
राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने पूरे राजस्थान में 33 जिलों में शहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना चला रही है, जो जिस तरह गांव में महात्मा गांधी नरेगा वाला जो काम चल रहा है उसी तरह शहरों में भी योजना चल रही है, ताकि सरकार जो जरूरतमंद है, बेसहारा है, गरीब लोग हैं और जिनको रोजगार की आवश्यकता है, उनको 100 दिन का एक परिवार की व्यक्ति को 100 दिन का रोजगार उपलब्ध करवा रही, जिसमें हम उनको एक दिन का 259 रुपया उनको देंगे और ये पेमेंट 15-15 दिन में उनके खाते में हम डाल देते हैं। तो उसी की कड़ी में आज हमने ये नीमच माता मंदिर प्रांगण में हमने ये शिविर आयोजन किया वार्ड नंबर 1 में। आज 40वां शिविर है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना एवं ई श्रम कार्ड का। इसमें नगर निगम द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है, जड़ विद्या ट्रस्ट द्वारा आयोजन किया जा रहा है, श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड के द्वारा आयोजन किया जा रहा है और श्रम विभाग उदयपुर के द्वारा आयोजन किया जा रहा है। अभी तक हमने ये शिविर हमने 2014 से सॉरी ये शिविर हमने 14 अक्टूबर से शुरू किया था और आज हमारा ये चौथा महीना हो रहा है और अभी तक 14 अक्टूबर से लेकर अभी तक हमने इस शिविर के माध्यम से उदयपुर शहर की विभिन्न श्रमिक बस्तियों में, कच्ची बस्तियों में 40 शिविर आयोजन कर चुके हैं और 40 शिविर में हमने 5000 जॉब कार्ड बना दिए, 5000 जॉब कार्ड बन गए। उसके बाद 1000 लोगों को हमने जॉब उनको रोजगार दे भी दिया है और वो काम भी कर रहे हैं अलग अलग बस्तियों में, जैसे आप हम बात कर रहे हैं प्रताप नगर, पुला, सुंदरवास, मासला मंजरा, 18 बस्ती सेक्टर 11 और ये आलू फैक्ट्री है, कृष्णा कॉलोनी, न्यू भोपालपुरा है, नीमच माता है, मनोरपुरा है और वो और भी वॉल सिटी में शहरी क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमने सिविल वहाँ सब लोग काम कर रहे हैं। तो इसका ये रिजल्ट ये हो रहा है कि जैसे हमने अगर जैसे इस शिविर में 50 कार्ड बने जॉब कार्ड तो 50 में से 50% लेबर तो काम कर रही है, बाकी हम और उनको फॉलो कर रहे हैं तथा उसके साथ ही हम श्रम विभाग द्वारा ई श्रम कार्ड और बना रहे हैं जिसमें सरकार भारत सरकार 2 लाख का इंश्योरेंस उनका कर रही है। तो ये बहुत अच्छी योजना है सरकार की, मैं चाहता हूँ शिविर आयोजन हो इसका मिले। हमारे आदरणीय जिला कलेक्टर महोदय ताराचंद मीणा साहब के निर्देश अनुसार हम लोग कर रहे हैं और हमारे जद्दीदा श्रीमाली जो राज्य मंत्री है राजस्थान श्रम कल्याण सलाहकार बोर्ड के उनके आदेश अनुसार भी हम शिविर कर रहे हैं, पूरा आयोजन सबका सहयोग मिल रहा है। सर ये आयोजन कब तक चलेगा और इससे लक्ष्य क्या, कितने लाभान्वित होंगे इससे? देखिए अभी तक ये हमने 14 अक्टूबर से शिविर शुरू किया था और ये हमारा पंचम चरण चल रहा है, 4 चरण हमने पार कर लिए, सफल आयोजन हुआ और सब लेबर काम कर रही है, सब लोगों के काम भी हो रहे हैं और अभी ये 40वां शिविर पंचम शिविर है। तो अभी हम लोग हमारी कोशिश है कि जब तक ले सरकार का जो सरकार और गरीब लोगों का मजदूरों को रोजगार से ढंग से नहीं मिल जाता है, 3-4 हजार लेबर काम नहीं करती है तब तक हम यहाँ शिविर चलेगा। वैसे हमारा शिविर का लक्ष्य कि हम चाहते हैं कि इसको हम जुलाई तक आयोजन इसको जारी रखें।